जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में कि इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप होते हैं तथा इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं तथा उनका क्या प्रयोग है। इससे पहले हम चार वीडियो एमएस वर्ड से रिलेटेड बना चुके हैं जिसमें आपको होम टैब में जो है कौन कौन से ऑप्शन है इसका क्या प्रयोग है तथा फाइल में कौन कौन से ऑप्शन इनका क्या प्रयोग होता है। साथ ही साथ ये जो आप एमएस वर्ड का देख रहे हैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर में जो है किस ऑप्शन को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से जो है समझाया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जिनको देखना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, साथ ही साथ इंड स्क्रीन पर भी मैं वीडियो लगा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है कवर पेज। अब कवर पेज किसे कहते हैं पहले यह समझ लीजिए। जैसे कि आप किताब जाते हैं खरीदने, तो किताब का जो ऊपर वाला कवर होता है जो मोटी सी दफ्ती जिसको बोलते हैं उसके जस्ट पीछे जो पहला पेज होता है वह हमारा होता है कवर पेज, जिसमें आपको जो है वह किससे रिलेटेड है इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखा रहता है, तो वह होता है हमारा कवर पेज। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब हमारा जो है कुछ टेम्पलेट दिया गया है कि इस प्रकार से जो है आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, चाहें तो अदर जो है आपको डिजाइन कर सकते हैं कवर पेज को। जब आप इस पर क्लिक किए देखिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा ईयर। अब आप जो है यहाँ पर खुद को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर खुद ईयर लिख दीजिए जो भी आपका ईयर लिखना हो ना, तो यहाँ से बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसको लगा दें, बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे दिया गया है अनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com, तो इसका प्रयोग किया जाता है कि जो आपका एमएस ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप जो है कवर पेज के लिए टेम्पलेट को डाउनलोड कर सके। इसके लिए नीचे यहाँ पर दिया है रिमूव करंट कवर पेज, इसका प्रयोग किया जाता है जो आपका कवर पेज है इस समय जो करंट टाइम में उसको जो है रिमूव करने के लिए, मिटाने के लिए। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा मिट गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, अभी हमको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस समय हमारा यहाँ पर कोई कवर पेज है नहीं, अभी कवर पेज लगाने के बाद अभी आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यह हमारा आएगा। अब इसमें जो है आपको कोई फ़ोटो या गैलरी जो है आप जो है गैलरी से कोई फ़ोटो उठा लीजिए या सेप लगा दीजिए, कुछ यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि इसको उठाया एंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे कवर पेज में लग चुका है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा देखिए इसमें एक्टिव हो गया होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और आइए यहाँ पे सेव सेलेक्टिंग टू कवर पेज गैलरी। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसका नाम रख सकते हैं कि इसका नाम क्या रहेगा, जो भी आपको रखना है। अगर टैली रखना है तो जो है टैली कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है गैलरी किसके किसके नाम से रहेगा, ऑटो टेक्स के नाम से रहेगा, बिब्लियोग्राफिक्स रहेगा, कवर पेज रहेगा, क्या रहेगा। तो अगर कवर पेज है तो कवर पेज कर दीजिए, इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। सेव इन किस में सेव करना, नॉर्मल में रहेगा किस में रहेगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वो आपको आवश्यकता पड़े कि नहीं हमको इसके ऊपर जो है एक पेज की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे इंसर्ट टैब पे आके यहाँ से ब्लैंक पेज जो है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना होता है देखिए, अभी आप यहाँ से नीचे देख रहेंगे यहाँ पर स्टेटस बार में लिखा है पेज वन ऑफ वन, यानी कि एक पेज ही है और पहले ही पेज पर आप एक्टिव हैं। तो जैसे आप इस पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया टू ऑफ टू, यानी कि दो पेज है और दो पेज में दूसरे वाले पेज पे ही एक्टिव है। अभी मैं ऊपर चला गया तो देखिए इस समय बता रहा है कि पेज वन ऑफ टू, यानी कि दो पेज में पहले दो पेज के पहले वाले पेज पर आप एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है यानी कि ब्लैंक पेज का प्रयोग किया जाता है एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट कराने के लिए बस। और अभी आपको देखना हो छोटा करके दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगला हमारा दिया है पेज ब्रेक, इसका प्रयोग किया जाता है पेज को तोड़ने के लिए। अभी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ से हमारा कर्सर रहता है वहीं से क्या करता है पेज को तोड़ देता है। इस पर क्लिक किए तो देखिए आ गया। तो क्या करता है, क्योंकि सादा है, ठीक है, इसीलिए उतना ही बड़ा उठा कर दे दिया। अगर आप कुछ टाइप कर दें जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना टाइप कर दिया, ठीक है, अभी बहुत छोटा दिख रहा है, जूम कर देंगे बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जो है इस लाइन से हम तोड़ना चाहते हैं, तो इस पर जब क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ दो लाइन आ गया, दो और इसके बाद तीन लाइन यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार जो है पेज जहाँ पर आपका कर्सर होता है वहीं से ही है ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ देता है पेज को। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगला ऑप्शन जो हमारा देता है वह देता है टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स में क्या जाता है, टेबल को क्रिएट करने का काम किया जाता है। तो देखिए पहले मैं इसको
कट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे बना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ जो है बेसिक नॉलेज के बारे में कि टेबल में क्या क्या होता है। किसी भी टेबल को बनाने के लिए रॉ एंड कॉलम की आवश्यकता होती है जिससे एक सेल बनता है, ठीक है। तो रॉ क्या होता है, जो ऊपर से इस साइड में आप देख रहे होंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती हैं वे होती हैं हमारी रॉ, और जो दाएं से बाएं की दिशा में जो इस प्रकार जाता है जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं वह होता है कॉलम। तो आपको टेबल बनाते समय जितना कॉलम या जितना रॉ की आवश्यकता पड़ता है आप चाहें तो इसे मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही जो आपका वहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने जैसे यहाँ पर चार जो है कॉलम और दो रॉ लिया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब जैसे इंसर्ट होता है तो ऐसे हमारे पास दो टैब ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन का एक लेआउट का। अब इसको डिज़ाइन करना तो आप यहाँ से इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ आप लोग को, अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसके बारे में अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं डिज़ाइन और लेआउट के बारे में। नॉर्मल तो वैसे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इसके जो है जो भी डिज़ाइन आप इसको देना चाहते हैं आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ से। इसको छोटा बड़ा करना होगा तो आप जो है जैसे यहाँ पर रुकेंगे तो जितना छोटा बड़ा करना चाहें जितना छोटा बड़ा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो केवल एक एक होगा, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से करते हैं यहाँ से तो पूरा हो जाएगा, जितना बड़ा वो ऊपर वाला होगा उतना बड़ा नीचे वाला होगा, ठीक है। ये सब काम करने के लिए साथ साथ इसमें कलर वलर फिल करना, जैसे इसमें कलर फिल करना है तो यहाँ से शेडिंग दिया है तो जो भी कलर फिल करना चाहते हो वो कर दीजिए। अगर सेलेक्ट करके करेंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं रेड कलर करना चाहता हूँ रेड कलर हो गया। तो ये सब जो है कार्य आप जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हैं कलर को, पहले ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ आप कलर नहीं चाहते हैं यहाँ से नो कलर कर दीजिए या सफ़ेद कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, लिखा लाइन स्टाइल, तो लाइन की स्टाइल किस प्रकार से चाहते हैं, बिल्कुल लाइन वाला चाहते हैं या डैड डैश करके चाहते हैं या इस प्रकार से चाहते हैं या थोड़ा सा मोटा चाहते हैं, तो यहाँ से कई प्रकार का जो है स्टाइल दिया लाइन का, जो आप चाहें जिसको अप्लाई करना चाहते हैं उसी पर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपको जो है एक पेंसिल की तरह मिल जाता है, ठीक है। तो जहाँ से आप बनाना चाहते हैं तो अपने माउस से लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, ऐसे दबाए रखेंगे, जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं पर बन जाएगा। तो देखिए जो है यहाँ पर इस प्रकार एक हमारा टेबल बन गया बॉक्स। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारा इसका जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार का दिया, सिंगल में रहेंगे तो एक दिखाएगा, डबल में इस प्रकार से, यहाँ तक कई प्रकार दिया, और इस पर क्लिक कर देंगे तो अब बनाएंगे तो चार लाइन में बनेगा, देखिए, ठीक है, तीन लाइन में है सॉरी, इस प्रकार से। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं कि नहीं हम दूसरे कलर में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेन कलर लिखा तो यहाँ से आप दूसरा कलर भी उठा सकते हैं और आप बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए देता है तो ड्रा टेबल जो है, ड्रा टेबल अभी एक्टिव तो ड्रा टेबल ही पेन होता है, देखिए अब यहाँ पे आ गए तो पेन मिल गया, अभी इसी पे क्लिक कर देंगे तो पेन हमारा हट जाएगा, उसके लिए देता है। साथ साथ यहाँ पर दिखा इरेजर, इरेजर क्या करता है, इरेज करने का काम करता है, मिटाने का काम करता है। इस पर आप क्लिक किए, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो यह मिट गया, इस पर क्लिक कर दिया यह मिट गया। और यदि माउस से जो है आप जो माउस के लेफ्ट की प्रेस करिए रखेंगे और जहाँ पर ले जाएंगे तो इन सभी को जो है मिटा देगा, ठीक है। तो इस कार्य के लिए जो प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दूसरा हमारा इसमें ऑप्शन दिखा है इंसर्ट टेबल, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर खुद लिख सकते हैं कि हमको कितना कॉलम चाहिए कितना रॉ चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कर दिए कि हमको जो है छः कॉलम कर दीजिए और जो है तीन रॉ कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो देखिए छः कॉलम और तीन रॉ हमारा आ गया। तो इन काम के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसी में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ड्रॉ टेबल, ड्रा टेबल का क्या क्या प्रयोग है। अभी हमने आपको ड्रा करके ऊपर दिखा दिया, जो पेंसिल से जो है ड्रा करते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेंसिल मिल जाएगा, जो बॉक्स बनाना है आप वो बॉक्स स्वयं बना सकते हैं। अभी मैंने इन सब का प्रयोग करके आपको दिखाया तो वही ऑप्शन वहाँ पे भी दिया गया, ठीक है। इसके लिए क्या जाता है, इरेजर तो मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पर इरेज कर देंगे वह मिट जाएगा, ठीक है, जिस पर आप करेंगे जो हमारा मिट जाएगा। जिसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पर लिखा है एक्सेल स्पीड शीट, जिस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल का जो स्पीड शीट होता है वह हमारे सामने आ जाता है, और उसमें जो भी आपको डाटा इंसर्ट करना है आप उसमें डाटा इंसर्ट कर लेते हैं और वही डाटा जो आपके एमएस वर्ड के पेज में इंसर्ट हो जाता है। जैसे चाहेंगे आप इस पर क्लिक किए तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार से जो है एक्सेल का स्पीड शीट यहाँ पर ओपन हो गया, शीट नंबर वन। आपको जो भी डाटा इसमें देना है, जैसे कि आप यहाँ जाना देना चाहते हैं कि आईडी दे दिए, दूसरे में यहाँ पर दे दिए नेम, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार दे दिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप आईडी अब लिखना चाहते हैं क्रम संख्या से या कुछ भी तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको सीरियल नंबर बनाना होगा, सीरियल नंबर बना लीजिए आपके ऊपर है। अब ऐसे जब स्लाइड कराते हैं
इसके बाद यहाँ पे डाउन एरो पे जाओ, क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा था फिल सीरियल, इस पर क्लिक करते हैं तो सीरियल वाइज फिल हो जाता है। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनू, मोनू, अजय और विजय, साथ ही साथ राहुल। इस प्रकार जो है आप टेबल बना ली। अगर इसको जो है आप डिज़ाइन करना और सही से करना चाहते हैं तो क्या करें, पहले इसको सिलेक्ट करके आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। एक्सेल के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसमें अभी एक्सेल का वीडियो आया नहीं, एक्सेल का भी वीडियो लेकर आऊँगा, पहले इमेज थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सेंटर में करना हो, कहाँ पे करना, तो आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर रखना है, बोल्ड इटैलिक करना कर सकते हैं, साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसके साइज़ को जो है छोटा बड़ा करने का ऑप्शन देता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्क आप कर सकते हैं। जैसे साइड में मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टेबल जो हमारा आ गया है। तो इस कार्य के लिए जो है आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं टेबल पे और नीचे आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इससे आप कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जब यहाँ पे आएंगे क्विक टेबल पे तो आप यहाँ पे कई टेम्पलेट पाते हैं। ठीक है, अब इसी टेम्पलेट के अनुसार जो है आप कुछ बनाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, जैसे कि आप कोई कैलेंडर का कोई डेट है, जैसे किसमें मई लिखा है, तो मई के बारे में आपको जो है एक कैलेंडर बनाना है केवल एक महीने का, तो आप इस पर जब क्लिक कर देंगे, एक मिनट यहाँ पे और क्विक मई, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए मई का यहाँ पे हमको हमारे पास आ गया। अब इसमें आप डेट इधर उधर हो ही जाएगा, तो डेट आप जो है जो भी आपको चेंजिंग करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारा यहाँ से नहीं है बल्कि हमारा 1 तारीख यहाँ से शुरू होता है, तो आप उसको हटा के 1 कर दीजिएगा। इस प्रकार आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन सब कार्य को जो है आप आराम से जो है टेबल के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शन दिए, केवल इतना नहीं ये भी है, तो इस पर क्लिक किए तो ये क्या आता है। तो आज जो है इन सभी को हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इलस्ट्रेशन और लिंक के बारे में जो आपको डिटेल से बताएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।